वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिज्यूम बना सकते हो हिंदी के अंदर ऑल राइट right. कैसे आप टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेशर्स या फिर आपका फाइव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है राइट right? मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो कि मैंने बेसिकली लर्न करे थे फ्रॉम अस्टिन बैलेक वो जो कि ऑलरेडी थाउजेंड से ज़्यादा रिज्यूम को सेलेक्ट कर चुके हैं फाइव ईयर का उनको एक्सपीरियंस है इसके इनके इनके टोटल हम एक्सपीरियंसेस uh, जो थर्टीन टिप्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे हम अपना एक रिज्यूम जो मैंने बहुत पहले प्रिपेयर किया था जो कि हेल्पफुल होगा थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स और टू ईयर्स के लिए कैसे मैंने प्रॉपरली बुलेट पॉइंट्स कराए राइट उनको प्रॉपरली हम समझेंगे ओल right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ओलाइट <coughs> right. तो सबसे पहले मैं बता दू, दिखा देता हूँ आपको कि ये रिज्यूम आपको कैसे डाउनलोड करना है राइट ये रिज्यूम आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली ये लिंक की जगह आप यहाँ पे एस डेट डॉट लाइव स्लैश रिज्यूम लिंक डालेंगे तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अब मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे बनाना है कि मैंने कौन सी वेबसाइट से बनाया था तो नोवा रिज्यूम करके एक वेबसाइट है जो कि फ्री है आप नोवा रिज्यूम से यहाँ पे टैम्पलेट फ्री में बना सकते हो ठीक है ये प्रॉपरली अब मैं एक बार ना इनके टिप्स को गो थ्रू करते थे जिसके थ्रू जिसको बेसिकली बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि लर्न करना कि क्यों ये टिप्स को क्यों कह रहे हैं राइट क्यों इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स को डालना रिज्यूम में ताकि आप सेलेक्ट हो पाए ठीक है मैं अपना मार्कर निकाल लेता हूँ ऑलराइट uh, तो सबसे पहले इन्होंने एक चीज एक जो टिप लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यहां पे देखोगे इसका नाम है ऑप्टिमाइज फॉर एवरी रोल एक्चुअली में क्या है कि कोई भी कभी भी ना जेनेरिक जेनेरिक आपको रिज्यूमे नहीं बनाना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंपनी के लिए अप्लाई करो सपोज करते हैं आप ब्राउजर से कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं राइट और वहां पे उन्होंने सबसे पहले आपको क्या करना है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाइए लिंक जहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है एचआर ने आपके साथ शेयर किया होगा या फिर किसी ने भी शेयर किया राइट उसमें से कीबर्ड्स इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाली कि कौन कौन सी इनको चाहिए फॉर एग्जाम्पल इन ब्राउजर टेक्स अगर क्यू ए लीड का है राइट तो उसके अंदर उन्होंने रूबी ओल रूबी बोला होगा कि रूबी की नॉलेज होनी चाहिए टेस्ट प्लान बनाना आना चाहिए ऑटोमेशन आना चाहिए सलेनम आना चाहिए सलेनम विद रूबी आना चाहिए राइट तो वो सारे की वर्ड्स को प्रॉपरली निकालो और एक जेनरिक रिज्यूमे नहीं बनाना है यहाँ पे तो यही चीज बता दूँ कि उसके हिसाब से तो अगर आपको ब्राउजर टेक्स में अप्लाई करना है तो आपको ब्राउजर टेक्स से रिलेटेड ही रिज्यूम बनाना है अगर आपको कोई विंगीफाई नाम की कंपनी से बनाना है तो विंगीफाई रिलेटेड ही रिज्यूम बनाना है यहाँ पे ये चीजें ट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये एक जेनेरिक है इसमें मैं मॉडिफाई करता हूं जब भी मुझे कुछ कर, जब भी मुझे कुछ बेसिकली नई कंपनी के लिए अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी तीसरी कंपनी के लिए अप्लाई करना टेक्ट तो मैं उसके हिसाब से उस रिज्यूम को इस रिज्यूम को जो दिखा रहा हूं मैं आपको राइट right? इसको मॉडिफाई करता हूँ हंड्रेड परसेंट करता हूं, guys. मैं अपने 10 से बता रहा हूं और ये ये भी आपको अपने थर्टीन टिप्स में पहला टिप यही कह रहे हैं कि जेनेरिक रिज्यूम में मत बनाइए राइट right? तो पहले बोला कि फोकस ऑन ए स्पेसिफिक रोल और कीवर्ड्स कीवर्ड्स के बारे में हम अगेन आएंगे कि कैसे कीवर्ड्स वर्ड्स निकालने और कैसे कीवर्ड्स को डाल सकते हैं राइट ठीक है right? तो पहला पहला पॉइंट क्लियर है आपको राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर आप यहां तक होगी तो डोंट समराइज यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि Summarize नहीं करना है एनी हाँ, uh, uh, वन है है. मैं एक नई भाषा में आपको समझाता हूँ इसमें आपको हमेशा जब भी कोई भी रूल लिखना है ना तो आपको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है ठीक है अब ये एग्जांपल को ना अच्छे से हम यहाँ पे समझते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे आओ अगर आप मेरे इस रिज्यूम को देखोगे तो यहाँ पे देखो पहली लाइन पढ़ो यहाँ पे लीड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन टू एंड फ्रेमवर्क विद ओवर नाइन थाउजेंड मैंने यहाँ पे outcome लिखा है. क्या मैं कर रहा हूँ रोल और फिर आउटकम राइट right? उसको प्रॉपरली रिज्यूम तो को देखो आप प्रॉपरलीटोमेशन के रनिंग डेली रोकर तो ये रिज्यूम जो है वो प्रॉपरली ये जो है अगर आप देखोगे तो इसमें वही चीज को फॉलो किया गया यहाँ पे रिज्यूम ये जो जो भी मैंने वर्क किया है तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्क और फिर आउटकम उस दोनों को प्रेजेंट प्रॉपर्ली किया गया तो यही है हमारा सेकंड नंबर टू ठीक है पूरी वीडियो देखो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स बता रहा हूं मैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ठीक है थर्ड टिप को हम बता देते हैं कि ठीक है इसमें इमेजेस हैं इमेजेस के बारे में छोड़ देते हैं आ, अब यहाँ पे जो इनका इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो बेसिकली कहते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में रखना है सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखनी है फिर हाईलाइट रीड वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन इंटरेस्ट और आपको हमेशा लिंग्ड का लिंक डालना जरूरी है तो अब देख लेते हैं कि क्या हमने इसको प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने प्रॉपरली फॉलो किया यहाँ पे डाला है सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिख दे दिया मैंने और इन शुरू में दे दिए उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बतानी जरूरी है ठीक है और यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें लिखना लैंग्वेज लिखना और यहाँ पे एक वॉलंटरी एक्सपीरियंस जो कि हाईलाइटेडेड है जिसके अंदर मैंने थर्टी के सब्सक्राइबर लिखे हैं जो कि अब फिफ्टी के हो चुके हैं टेस्टिंग अकेडमी पे और हिंदी के अंदर भी ऑलरेडी सेवन थाउजेंड से प्लस है तो वो चीजें यहाँ पे लिखती हैं ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको अब यहां पे एक बार मूव कर लेते हैं फिर से यहाँ पे ठीक है अब इन्होंने बाकी जो बेसिकली uh, जो मैं आपको बार बार बोलता राइट right? uh, राइट पे आ जाते हैं right? कि आपको राइट right की लिखने जरूरी हैं अब यहाँ पे राइट right की कैसे होते हैं उस चीज को ध्यान पे देते हैं ठीक है अब यहां पे गाइज देखिए ये एक एक्सपीरियंस पर्सन का फॉर एक्साम्पल लेट सेवन ईयर या फाइव ऑफ एक्सपीरियंस के क्यू का रिज्यूमे है ठीक है ए रिज्यूमे है तो आपको यहाँ पे देखो क्या क्या चीज मिल रही है यहाँ पे आपको की मिल रहे हैं सारे एंड टू एंड ऑटोमेशन सलेनियम जावा एपीआई टेस्टिंग करिए कॉन्फ्लेंस डॉक पता है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पता है ऑटोमेशन टेस्टिंग पता है एजाइल पता है स्क्रम पता है ढोकर पता है साइब्रस पता है ठीक है यहाँ पे पर्सी लोकल जितने भी प्रावर्स एक्सिलजी हैं उनका कीवर्ड्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे डेली टास्क से रिलेटेड भी हाईलाइट किया हुआ है ठीक है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं लिखी मैंने लिखे। सिर्फ लास्ट थ्री कंपनीज का डेटा लिखा है राइट right? क्योंकि लास्ट थ्री के बाद एक्चुअली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत इतनी नहीं है क्यों क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है राइट right? अगर आप दो पेजेस का रिज्यूमे बनाते हो और वहां पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो बट अगर आप देखोगे तो लास्ट टेन ईयर्स और सेवन ईयर्स को प्रॉपरली यहाँ पे प्रोट्रीट कर रखा है तो आई थिंक इतना और ये तीन बहुत बड़े ब्रांड है विंगी फाइ बीज आर वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया आई आम जस्ट से एक्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको ठीक है तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करता है और ये रिज्यूम ऐसा रिज्यूमे है जो ऑलमोस्ट मैक्मम कंपनीज में सेलेक्ट हो जाता है थॉट वर्क में थॉट स्पॉट विंगी फाइ ब्राउज टेक आई मीन मैक्सिमम में मैंने यही Viziuma को यूज करा हुआ है इवन दिस कोड सेलेक्टेड इन एमेजॉन एस डी टी ए टी ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वाले में भी सेलेक्ट हो गया था ठीक है वो तो मैंने इंटरव्यू uh, नहीं दिया एनी यू गेट द पॉइंट ठीक है तो आप यहाँ से आपको आइडिया uh, लग गया होगा ठीक है बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप देखोगे तो इसे इसने एग्जाम्पल बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है राइट वही एक लिंक इन प्रोफाइल डालनी है बुलेट पॉइंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे ये यह जो बुलेट्स पॉइंट है ना इसको ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको हमेशा पांच बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहिए और इसी के बेस पे मैंने ये रिज्यूम में भी बनाया हुआ है राइट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली properly... फाइव पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री पॉइंट्स लिखे हुए हैं राइट तो जो कि बहुत ही क्लैरिफिकाइड क्लैरिफाई क्लारि, uh, कर देते हैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या काम किया हुआ है क्योंकि अगर प्रॉब्लम पता क्या है अगर आप बहुत जनररी या फिर समरी की फॉर्म में लिखोगे ना तो जनी लोग पढ़ते हैं नहीं है अगर आप इस चीज को पढ़ोगे ना मेरे को लगता है यहाँ पे कोई लोग पढ़ते हैं इसको uh, लेकिन अगर अगर ये पॉइंटर फॉर्म में पढ़ोगे तो मैं पढ़ लूंगा कि अच्छा एंड टू एंड ऑटोमेशन किया है हाई ईपी टेस्टिंग करिए विजुअल रिकेशन भी करा है ओके ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी ये करा ये करा है टोकर पे काम किया ठीक है ऐसे ठीक है क्योंकि एच आर जनरली ना आपको सिक्स सेकंड के लिए आपका रिज्यूम को स्किम करते हैं अगर उनको की मिल जाते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं अगर नहीं होता तो वो भगा देते हैं ठीक है तो ये चीज़ को इंपॉर्टेंट होती है ठीक है यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली समझा दिया अब मैं आपको भी बताएता हूँ कि कैसे आपको रिज्यूम बनाना है ये वाले टेप्लेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी नोवा रिज्यूमे बहुत ही फ्री वेबसाइट है आई थिंक ये वाला यूज़ किया मैंने इसके आपको यहाँ पर टैंप्लेट भी मिल जाएगी प्रॉपरली फ्री टैंपलेट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी आप उसमें से डाउनलोड करके प्रॉपरली इसको बना सकते हैं ठीक है और यहाँ पे अगर आप एस डेट डॉट लाइव नोट्स की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे मैंने कुछ टैंपलेट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिज्यूमे ठीक है कुछ रिज्यूम्स uh, भी दे रखे हैं यहाँ पे आपको थ्री ईयर का टू ईयर का और एग्जाम्पल रिज्यूमेज भी मिल जाएंगे जिनकी आप हेल्प ले सकते हो और बुलेट पॉइंट्स उठा सकते हो ठीक है आई होप दिस मेक्स सेंस गाइस आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और uh, ये था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिज्यूम हिंदी में बनाने का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई डाउट है तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज टाइप ग्रेट और थैंक यू और टाइप करके चले जाना मिलता हूं अगली वीडियो में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बाय